Hi dear learners, I'm back with another video on spoken skills. So, किस तरह से हम किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट मतलब कि परिवहन. सो पहले तो हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है. When we move from one place to another, when we move our goods, कोई सामान को जब हमने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. सो ट्रांसपोर्ट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंपल टर्म में. अब आप सोचेंगे कि हाँ ट्रांसपोर्ट तो करना है तो ट्रांसपोर्ट के मोड्स होते हैं मतलब टाइप्स होते हैं. सो व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हम क्वेश्चन अगर इस तरह से फ्रेम करते हैं सो इसका आंसर होगा देर आर थ्री और फोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर वाटर एंड लैंड. सो एयर में हम कैसे ट्रैवल करते हैं. वी ट्रैवल थ्रू एरोप्लेन. वी ट्रैवल थ्रू एरोप्लेन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेज ऑफ ट्रैवलिंग. इट इज एन एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जब हम एयरप्लेन की बात करेंगे सो हम बोल सकते हैं इट इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग. देन वी हैव वाटर. वाटर इज थ्रू शिप और वाया जैसे हम बोलते हैं ना वाया सो शिप. एंड देन इट इज चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इट इज. अब चीप को हम चेंज कर सकते हैं. चीप को हम इकोनॉमिकल भी बोल सकते हैं. इकोनॉमिकल एक मोर रिफाइंड वर्ड है चीप के लिए. सो वी कैन ट्रैवल थ्रू शिप एंड देन वी कैन. बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग. या उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि इट टेक्स टाइम. या आप उसको बोलिए इट टेक्स टाइम या बोलिए इट इज टाइम कंज्यूमिंग. नाउ द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द मोस्ट यूज्ड मेथड सबसे ज्यादा जो यूज किया हुआ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड में आ गया आपका रेल आ गया आपका बस आ गया आपका कार आ गया आपकी बाइक्स आ गए हैं. सो टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स से हम ट्रैवल लैंड से कर सकते हैं. अब लैंड में जो ट्रैवल करते हैं जैसे वी कैन ट्रैवल थ्रू रोड. वी कैन ट्रैवल वाया रोड रेल एंड वी कैन मेक यूज ऑफ इधर कार्स और वी कैन ट्रैवल थ्रू बसेस. वी कैन ट्रैवल थ्रू ट्रेन. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग. अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यू नो फ्री फॉर ऑल और वी कैन से दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग. आप कहीं भी जाए किसी भी कंट्री में जाए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग. सो डियर लर्नर्स आप आज का जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट उसको लीजिए और कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए. पहले तो पॉइंट्स नोट कीजिए. पहले आप एक दो बार उन पॉइंट्स को देख के बोलिए और फिर आप उसको बोलना शुरू करें जैसे कि मैंने आपसे इस वीडियो में बात की. सो लेट्स रीकैप. पहले मैंने आपको हिंदी इंग्लिश में समझाया अब सिर्फ इंग्लिश में कि किस तरह से हम इसमें बात करेंगे. सो ट्रांसपोर्ट इज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ देयर आर थ्री टू फोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. रोड ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट एंड देन इट कैन बी योर वाटर ट्रांसपोर्ट और रोड. लैंड ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस पार्ट्स. वन इज रेल. वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रोड. देन वन अनदर इज वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट में हम ट्रैवल करते हैं शिप से. जैसे आज के टाइम पे वी कैन ऑल्सो यूज शिप्स फॉर ट्रैवलिंग. इट इज अ चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एयर ट्रांसपोर्ट दैट इज थ्रू एरोप्लेन एंड दैट इज एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. It is not cheap and it takes less time or the duration is less. So this is how dear learners आप धीरे धीरे शुरू कीजिए. एक एक टॉपिक लीजिए और उस पर कुछ कुछ छोटी छोटी लाइन्स बनाने की कोशिश कीजिए. ऑटोमेटिकली आप उसमें फिर फ्लूइंग स्पीकर बन जाएंगे. एंड वन मोर थिंग फ्रेजेस को यूज करना शुरू कीजिए. उससे आपका आधा से ज़्यादा सेंटेंस को फ्रेज ही कवर कर लेता है. सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू विल प्रैक्टिस इट डियर लर्नर्स. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज ऑन स्पोकन स्किल्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इंग्लिश विंग्लिश बाय राखी शर्मा.